हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डेप्रिसिएशन का पार्ट नंबर 4 आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सिर्फ यही डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट एक अलग है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ये हम प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये एक्सपेंस है तो इसको डेबिट करते हैं, इसकी एंट्रीज भी हमने देखी थी। एंड प्रोविजन फॉर इट्स अ वैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं कि टोटल डेप्रिसिएशन एसेट पे कितना चार्ज होगा पूरी उसकी लाइफ में। इट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। ये नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंस है, तो उसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। और प्रोविजन क्या है? लाइबिलिटी होता है, तो उसका लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इट इज अ टेम्पररी अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? टेम्पररी अकाउंट है, ठीक है। एंड इट इज अ परमानेंट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट अकाउंट, वेयर एज डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट। दिस अकाउंट इज ओपन व्हेन एन एसेट इज शोन एट इट्स रिटन डाउन वैल्यू। ये अकाउंट कब ओपन होगा? जब एसेट किस पर दे रखी होगी? अपनी रिटन डाउन वैल्यू पर दे रखी होगी। एंड दिस अकाउंट इज ओपन व्हेन एन एसेट इज शोन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। किस पर होगी? ओरिजिनल कॉस्ट। तो हमने अपनी पार्ट नंबर 3 में देखा था, जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, तो हमने वहां एसेट की वैल्यू में 120,000 रिकॉर्ड करा था ओरिजिनल कॉस्ट, और उसमें से माइनस कर रहा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000। ओके, तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारे इस डेप्रिसिएशन की। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट है हमारा, दिस अकाउंट इज चार्ज अगेंस्ट दी एसेट। ये किसके अगेंस्ट चार्ज होता है? एसेट के अगेंस्ट चार्ज होता है, और उसकी एंट्री हमने पास करी थी क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दिस अकाउंट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट दी एसेट, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एसेट के अगेंस्ट चार्ज नहीं होता है। दिस अकाउंट अपीयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट इन द बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। दिस अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट बट नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कहाँ अपीयर होता है? बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अपीयर नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस किसका? डेप्रिसिएशन का, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू।